संतोष महोदय अज्ञानी है वो, हमने उन्हें क्षमा किया, आप चलिए हमारे साथ। देख के नहीं चल सकते, मेरा आटा खराब कर दिया। क्षमा कर दो भाई, क्षमा कर दो, जाओ। जिसे कह रहे थे तुम अपना मित्र, उसी के चक्कर में हालत हो गई विचित्र। उस आम्रपाली ने मेरा अपमान किया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, नहीं छोड़ूंगा। महामात्य की जय हो। क्या सोचना है? वो पंडित रामाकृष्ण भाग गया। तय कला के साथ हास्य मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता है, समझे कि नहीं समझे? ये हास्य नहीं है, सत्य है। क्या? जी। ये कब हुआ? कैसे हुआ? एक पहर पूर्व की बात है। किंतु अब तक तो उसे यहाँ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? सहायता करो, हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है, प्रतीत होता है हृदय घात हुआ है। ठहरो, वो बहुत चतुर है, इसमें अवश्य इसकी कोई चाल होगी। लगता है सच में इसे हृदय आघात हुआ है। पंडित रामाकृष्ण के प्राण जा चुके हैं। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और महामात्य को शीघ्र सूचित करो। उसके पश्चात भूत नहीं, मैं वो हूँ
जिसे देखकर भूत भी चार कोस दूर भाग जाते हैं। मैं पंडित रामाकृष्णा जीवित हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी श्वास तो बस जो पूर्व सीखा गया योग आज काम में आया है। अरे तुम्हें क्या ज्ञात कि मैं पूरे एक शहर तक श्वास रोककर शवासन में रह सकता हूँ? तलवार निकालने का कोई लाभ नहीं, कुछ ही क्षणों में तुम सबके नेत्रों के आगे अंधेरा छा जाएगा। जब नेत्र खुलेंगे ही नहीं तो तुम देखोगे क्या? इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ साहब। उसके पीछे भागो, हो सके तो उसे मार दो। जाके महामात्य तक ये संदेश पहुंचाओ। अर्थात उस चतुर पंडित रामकृष्णा को पहले से ज्ञात था कि महाबवंडर किस समय किस घड़ी किस नक्षत्र में आने वाला है। यदि पंडित रामकृष्ण विजयनगर पहुंच गया तो हमारी समस्त योजनाएं विफल हो जाएंगी। किसी भी मूल्य पर रामकृष्ण बसना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं समझे? जी। इतना समय बीत गया किंतु आपकी कोई सूचना नहीं मिली। कहाँ है आप, किन परिस्थितियों में हैं, कब वापस आएंगे? अब आपके बिना और नहीं जी सकती मैं। अम्मा का संदूक। आज आपकी बहुत याद आ रही है अम्मा। आपका संकेतों में मुझसे वार्तालाप करना, मेरा आपकी वाणी बन जाना, सबको ये बताना कि आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे अभी भी याद है। आप कहती थी कि मौन व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, किंतु अम्मा आज आपने पुनः एक बार फिर मुझे संकेत दे दिया। मेरी भी मनोकामना पूरी होगी। अब जब तक आपका पुत्र वापस नहीं आ जाता मैं भी मौन व्रत रखूंगी। बात करना तो दूर, मेरी ओर देखा तक नहीं। और तो और, उस नकुश ने जब मुझे धक्का मारा तो उसको भी नहीं रोका। इस आम्रपाली को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं है अम्मू के आसपास भी भटकने की। क्यों ना भटकूं? मैं भटकूंगा, मैं उसके आसपास भटकूं चाहे मटकूं। तुम्हारे पेट में क्यों पीड़ा हो रही है? तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि आम्रपाली से दूर रहो, और अब अगर अधिक विलम्ब हुआ ना दरबार पहुँचने के लिए तो तुम्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है मुझे बाहर का रास्ता दिखाना। अब मुझे बाहर का नहीं भीतर का रास्ता देखना है, मोरपंख चुराने के लिए। मोरपंख? हाँ, अपमान का बदला तो लेना पड़ेगा ना। अरे भास्कर सुनो, देखो तुम्हें मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरी बात मान जाओ।
अम्मा, मेरी अम्मा आ गई, मेरी अम्मा लौट आई, मेरी अम्मा आ गई, मेरी अम्मा। विक्षिप्त हो गए हो क्या? ये अम्मा कैसे हो सकती है? कहीं अम्मा का भूत तो नहीं है? भूत उनके होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी हो। और तुम कैसे जानती हो कि अम्मा अब जीवित नहीं है? तुम्हें कैसे पता? अरे तो ये है कौन? शारदा, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? और तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने अम्मा की भांति वस्त्र क्यों धारण किया है? उठा लो उठा लो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैंने अम्मा की तरह मौन व्रत ले लिया है, क्योंकि मैंने ये मन्नत मांगी है कि जब तक ये वापस नहीं आ जाते मैं अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकालूंगी। मेरी बुआ भी नहीं बोल पाती थी। ये बोला शारदा ने? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मेरी बुआ भी नहीं बोल पाती थी और इसी तरह संकेतों में बात करती थी और मैं सब समझ जाती थी। क्या मैं सब समझ जाती थी? अरे अम्मा संकेतों में बात करती थी और शारदा सब समझ जाती थी। क्यों शारदा? अरे मेरे बाल क्यों नोच रही हो? क्योंकि अम्मा ने कहा नोचने के लिए। ओहो, ये कांता तो समझ ही नहीं रही। भगवान उठा लो, उसकी बुद्धि पे चाहे बादल उठा लो ताकि वो मेरी बात समझ सके। चोटी, रामा, मन्नत ले लिया है। ओ, अम्मा कह रही कि उन्होंने मन्नत मांगी कि जब तक उनके पति वापस नहीं आ जाते तब तक वो मौन ही रहेंगी, है ना अम्मा? नहीं 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 प्रभु, ये नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार मेरे बापू जीवन भर अम्मा के संकेतों के कारण परेशान रहे, उसी प्रकार अब मुझे भी तुम्हारे मौन व्रत के कारण परेशानी सहनी पड़ेगी। अर्थात अब तुम भी अम्मा की भांति शारदा अम्मा हो गई हो। उचित है, तब से मैं भी तुम्हें शारदा की जगह शारदा अम्मा कहकर पुकारूंगा। झाड़ू क्यों उठा रही हो? नहीं नहीं नहीं, अरे मारना नहीं, अरे मारना नहीं मुझे। सुनो ना, कितने वर्षों से किसी को अम्मा नहीं कहा, तो तुम्हें शारदा अम्मा कहने दो ना। सुनो, मैं सब समझता हूँ, तुम कदापि चिंतित मत हो, आप अवश्य लौट कर आएंगे, तुम्हारी मन्नत भी पूर्ण होगी। बस जब मन्नत पूर्ण हो जाए ना, ये मौन व्रत तोड़ देना। क्या है? अब कहाँ चल दिए? मोरपंख लाने। अब तो मैं किसी भी तरह मोरपंख वापस लेकर ही आऊंगा। हे कान्हा जी, आज भास्कर के प्रति हमारे व्यवहार के लिए हमें क्षमा करना, परंतु पिताश्री को हमने वचन दिया है, हम चाकर भी भास्कर से वार्तालाप नहीं कर पाए। कान्हा जी, न जाने भास्कर हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अवश्य ही उन्हें बहुत ही अप्रिय लगा होगा, परंतु प्रभु भास्कर के हृदय में हमारे प्रति कोई दुर्भावना मत आने देना।
मोरपंख के कारण कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। अभी कोई आए थे, आप जल्दी से जाके देखे कहां गए वो। जी। कौन है वो? हेलो, हेलो। वीरगति प्राप्त सैनिकों के कवच। ओ तेरी, ये कहाँ आ गया भास्कर? ये तो बड़ी भयानक जगह प्रतीत होती है। चल भाग यहाँ से, शीघ्र यहाँ से निकल ले। भाग 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 भाग। सैनिको, ये सारे कवच किसी काम के नहीं है, इन सबको ले जाओ और तपती भट्टी में डाल के पिघला दो और फिर नई तलवारें बनाओ। ओ तेरी भास्कर, ये लोग तो तुझे भस्म करने की तैयारी में हैं। भाग 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 यहां से भाग। यहाँ एक कवच था, कहाँ चले गया? ये कवच यहाँ कैसे आया? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये यहाँ पर आया कैसे? तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ कैसे आया? सोचने का काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। ले जाओ, इसे भी ले जाके भट्टी में पिघला दो। किंतु तभी पहाड़ी से नीचे खाई में गिर के उसकी मृत्यु हो गई। जब तक हम स्वयं उसका शवदाह देख लें, हम नहीं मान सकते कि वो मर चुका है। हमें पंडित रामकृष्णा का शव चाहिए।